वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज का जो वीडियो होगा वो वीडियो बहुत ही सिंपल वीडियो है, लेकिन वो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है उन लोगों के लिए जिनके पास स्पेशली रॉयल इनफील्ड की बाइक्स हैं। वो थंडरबर्ड हो या क्लासिक हो या मीटियोर हो, वो BS4 वाली मॉडल की हो या BS6 वाली मॉडल की हो, उनके लिए ये वाली वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है जो मेरे को लगता है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आपकी बाइक 2 या 3 दिन या उससे भी ज़्यादा आइडल कंडीशन पे पड़ी हुई है और आपने उस बाइक को चलाया नहीं है, तो उस बाइक को इजीली कैसे आप स्टार्ट करें सुबह। और सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा सारे लोगों को, कि कभी भी अगर आपकी ऐसी क्लासिक या थंडरबर्ड या मीटियोर वाली हैवी बाइक्स, रॉयल एनफील्ड की बाइक्स अगर 2 या 3 दिन आइडल पड़ी हुई है, और इवन मैं रिकमेंड करूँगा अगर 1 दिन के लिए भी वो आइडल पड़ी हुई है, तो दूसरे दिन उसे सेल्फ से स्टार्ट ना करें, हमेशा किक का इस्तेमाल करें और तभी अपने बाइक को स्टार्ट करें। 2 या 3 दिन या 1 दिन से ज़्यादा अगर आपकी बाइक आइडल खड़ी होती है और अगर आपने सेल्फ से स्टार्ट किया, तो इट विल गिव अ डायरेक्ट हिट ऑन योर बैटरी। और हमें पता ही है कि हमारी जो बैटरी होती है वो 12 वोल्ट वाली बैटरी होती है, जिसमें अपने आपकी बाइक की सारी फीचर्स काम करती हैं। तो बाइक के बैटरी के ऊपर प्रेशर ना आए और आप डायरेक्टली इसी वजह से कोल्ड स्टार्ट जब भी आप करें तो आप किक से स्टार्ट करें और हमेशा हमेशा कुछ स्टेप्स का कुछ स्टेप्स को फॉलो करें। और वही कुछ सिंपल से तरीके मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ मेरे रॉयल एनफील्ड क्लासिक के ऊपर, जिससे कि आपको कोल्ड या फिर आइडल अगर आपकी बाइक खड़ी है तो आपको किक स्टार्ट करने में बहुत ईजी होगी। तो स्ट्रेट चलते हैं हमारे बाइक के पास। सो गाइज, ये है मेरी बाइक और ये अभी मिड स्टैंड पे खड़ी है। जब भी आप कोल्ड स्टार्ट करें तो आपकी बाइक हमेशा मिड स्टैंड पे होने ही चाहिए। मेरी बाइक ऑलमोस्ट 7 दिनों से आइडल पड़ी हुई है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर सही से प्रोसेस फॉलो हो जाए तो मेरी बाइक 2 या 3 किक पे स्टार्ट हो जाएगी। तो और बाहर अभी बारिश भी शुरू हो रही है, तो मेरे को जल्दी जल्दी ये वीडियो आप लोगों के लिए बना के ख़त्म करना पड़ेगा। मेरी बाइक बाहर हो रही है ज़ोरों की बारिश, तो मेरे को बाइक अंदर लाना पड़ा। एनीवे, स्पेस कंस्ट्रेंट होने के वजह से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो सबसे पहली चीज़, आपकी बाइक होनी चाहिए मिड स्टैंड पे। वंस आपकी बाइक मिड स्टैंड पे है, आपको जाके चेक करना पड़ेगा आपकी गाड़ी न्यूट्रल पे है या नहीं। न्यूट्रल के लिए आपको देना पड़ेगा इग्निशन, और जी हाँ, मेरी गाड़ी न्यूट्रल पे है। फिर आपको इग्निशन करना पड़ेगा बंद, आपकी गाड़ी ऑलरेडी न्यूट्रल पे है, और किल स्विच आपका रहेगा ऑफ। अब आपको करना क्या है इस सिचुएशन पे, आपको अपने बाइक के किक को 2 से 3 बार फुल रिवॉल्यूशंस देनी है, लेकिन धीरे से। लेट्स सी। चलिए, मैंने 4 दिया। अब देखते हैं इसको 2 या 1 या 2 लॉन्ग किक अगर हम देंगे तो आपकी बाइक हो जाएगी स्टार्ट। लेट्स सी। किया हमने इग्निशन ऑन, किल स्विच को किया ऑन, और देते हैं एक लॉन्ग किक। लेट्स सी। आपने सही से कुछ चीजों को फॉलो किया तो आपकी बाइक वो जितने भी दिन खड़े क्यों ना हो, तो मैक्सिमम 2 या 3 किक पे आपकी बाइक हो जाएगी स्टार्ट। तो सबसे पहला चीज क्या होगा, आप बाइक को मिड स्टैंड करें। दूसरी चीज़ क्या होगी, आप बाइक को चेक करें वो न्यूट्रल पे है कि नहीं। तीसरी चीज़, आपका इग्निशन होना चाहिए बंद, आपका इंजन किल स्विच होना चाहिए ऑफ, 5 से 6 आप किक को पुश कीजिए, और उसके बाद मैक्सिमम आपको 2 या 3 हार्ड किक की ज़रूरत पड़ेगी और आपकी बाइक हो जाएगी स्टार्ट। सो अगर ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगे और पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को कीजिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और मेरे चैनल का नाम आपके इस वीडियो के नीचे दिखा दिया जाएगा, और इसी तरह आपका प्यार बांटते रहिए और मेरे को भी ग्रो करने का मौका देते रहिए।